जय श्री राम दोस्तों, आपके घर में हूँ लक्ष्मी का प्रवेश, मैं हूँ देवेश। दोस्तों, गेहूं के एक्सपोर्ट को हम लगातार कवर करते आ रहे हैं। इस बारे में आप में से अधिकांश लोगों का मत था कि या तो भारत ने बांग्लादेश और इंडोनेशिया जैसे देशों को गेहूं एक्सपोर्ट करना नहीं चाहिए, और यदि हम गेहूं एक्सपोर्ट करते हैं तो कम से कम हमने प्रकाशित करना चाहिए कि हम इंडोनेशिया और बांग्लादेश जैसे देशों को कितना गेहूं भेज रहे हैं। इन देशों में प्रचलन चलता है भारत को गाली देने का। कारण यह है कि इन देशों की सरकारों ने कभी प्रचार प्रसार ही नहीं किया कि भारत इनके लिए कितना मददगार साबित होता है हर मुश्किल में। भारत ने नेक काम किया और इन देशों ने उसे दरिया में डाल दिया। उदाहरण के लिए आपको अच्छे से याद होगा, कुछ सालों पहले भारत ने जैसे ही प्याज के एक्सपोर्ट पर रोक लगाई, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने भारत में आकर रोना धोना मचाया था कि भारत ने प्याज का एक्सपोर्ट रोक दिया, बहुत अन्याय हो गया, हम खाना नहीं खा पा रहे हैं। उस समय दुष्प्रचार करने में यह देश आगे रहते हैं, लेकिन भारत को थैंक यू बोलने से ये लोग कतराते हैं। इस बार अच्छा यह हुआ है कि भारत ने यह बता दिया है कि साहब, हमने 13 मई को गेहूं के एक्सपोर्ट पर रोक लगाई, उसके बाद से 5 लाख टन गेहूं को एक्सपोर्ट किया है। अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा, उस 5 लाख में से सबसे अधिक गेहूं किसको मिला है? सबसे अधिक गेहूं मिला है बांग्लादेश और इंडोनेशिया को, दोनों को 1-1 लाख टन गेहूं मिला है। अब दोस्तों, यहाँ जो 5 लाख टन की गेहूं है वह सप्लाई बहुत कम है। अगर आप इलीगल डॉक्यूमेंट्स को देखें तो गैरकानूनी ढंग से जो डिमांड आई है प्राइवेट मार्केट में, वह डिमांड है 20 लाख मीट्रिक टन की। यहाँ तक कि बांग्लादेश का खुद का कहना है कि हमें 10 लाख टन गेहूं चाहिए। मतलब यह है कि इन देशों की डिमांड के सामने भारत ने बहुत कम गेहूं सप्लाई किया है, और वह भी अपनी जरूरत को मद्देनजर रखते हुए किया है। अब दोस्तों, बांग्लादेश और इंडोनेशिया को तो सबसे अधिक गेहूं मिल गया। हम अपेक्षा करते हैं कि जिस तरह भारत ने यह चीज प्रकाशित की है, उसी तरह भारत सरकार इंडोनेशिया और बांग्लादेश की सरकारों से भी कहे कि आपको सबसे अधिक गेहूं मिल तो गया, अरे भैया मीडिया में आकर थैंक यू भी दो भारत को। अच्छा काम भारत ने किया है तो अच्छे काम के लिए धन्यवाद रिसीव करना भी हमारी जिम्मेदारी है। यदि यह देश भारत को सार्वजनिक रूप से धन्यवाद नहीं देते हैं, तो भारत ने इनको भविष्य में गेहूं की सप्लाई देने के बारे में दोबारा विचार करना चाहिए। अब आप देखिए, गेहूं खरीदने के लिए लाइन किन देशों ने लगा रखी है? आपका यूएई, ओमान, यमन, सबने लाइन लगा रखी है गेहूं खरीदने के लिए। यहाँ तक कि साउथ कोरिया जैसा धनाढ्य देश भी गेहूं खरीदने के लिए लाइन में खड़ा है आज। इसी बीच एक कमेंट आया था दोस्तों, जिसमें कहा गया कि हम लोग तो ऐसे इतरा रहे हैं जैसे कि भारत सेमीकंडक्टर का एक्सपोर्ट कर रहा है। तो दोस्तों, हमारा जवाब तो बड़ा सिंपल था, सेमीकंडक्टर से पेट की भूख नहीं मिटती। यदि आदमी मर गया तो सेमीकंडक्टर चिप का क्या कर लोगे? इस समय दुनिया में गेहूं का महत्व तो सेमीकंडक्टर चिप से ज्यादा है। जान है तो जहान है, जिंदा ही नहीं रहोगे तो कंप्यूटर, लैपटॉप, गाड़ी का क्या कर लोगे? इसलिए कम से कम हम अपनी चीज को कम करके नहीं आंकते हैं। दुनिया में गेहूं का संकट है, और भारत यदि गेहूं पैदा कर रहा है तो यह अपने आप नहीं हुआ है, भारतीय किसानों ने इसके पीछे खून पसीना बहाया है। इसलिए भारतीय गेहूं का महत्व तो इस समय सेमीकंडक्टर चिप से भी ज्यादा हो गया है। रही बात खाड़ी के देश जो भारत के आगे लाइन लगा के खड़े हैं, उनके साथ भी वही होना चाहिए दोस्तों। यदि यह देश भारत को सार्वजनिक रूप से धन्यवाद नहीं देते हैं, तो भारत ने इन्हें गेहूं सप्लाई नहीं करना चाहिए। इन देशों के लोग जो सोशल मीडिया में भारत को दिन रात गालियां देते हैं, उनको आईना दिखाना बेहद जरूरी है। जितने जल्दी हो जाए उतना अच्छा होगा। अब दोस्तों, हमारे कोर्स में शामिल जो आत्मनिर्भर इन्वेस्टर्स हैं, वह हमेशा मांग करते थे कि शेयर मार्केट गिरता है या चढ़ता है, उस दौरान उनका पोर्टफोलियो संतुलित कैसा रहे। मतलब कि मार्केट गिर गया लेकिन उनको लॉस ना हो, तो वो रिस्क मैनेजमेंट और हेजिंग कैसे कर पाए, फ्यूचर्स के माध्यम से शॉर्टिंग कैसे कर पाए, तो वह सब टॉपिक कवर करने के लिए हम लॉन्च कर रहे हैं एकदम ब्रांड न्यू आत्मनिर्भर फ्यूचर्स कोर्स। यह कोर्स लाइव सेशन का होगा, 18 जून से यह चालू होने वाला है। इसलिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी लिंक, उस पर क्लिक करके आप आत्मनिर्भर फ्यूचर्स कोर्स जितने जल्दी ज्वाइन करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा होगा। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।